और उत्तर प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है उसके बारे में ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ विवेक तिवारी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। विवेक, बताइए कि क्या रहा आज दिन भर, किस तरीके से घटनाचक्र घूमा? देखिए, सबसे पहले तो खबर ये आई कि 16 तारीख को जो बताई गई थी कि यहाँ पर विधायकों की बैठक होगी और जिसके लिए दो पर्यवेक्षक तय किए गए हैं, वो ये तय हुआ कि ये बैठक फिलहाल अभी नहीं होगी, यानी अभी नाम फाइनल नहीं हुआ है। दूसरी खबर यह आई कि अमित शाह को जाना है कोयम्बटूर, वहाँ वो RSS चीफ से मिलेंगे और उसके बाद अंतिम मोहर लगेगी नाम के ऊपर। अब जहाँ तक नामों का सवाल है शेखर, तो कई सारी बातें उठ रही हैं, लेकिन मनोहर पर्रिकर के गोवा के मुख्यमंत्री बनने के बाद जो समीकरण दिख रहे हैं केंद्र सरकार में, उसको देखते हुए और सुषमा स्वराज की भी तबीयत बहुत अच्छी नहीं है, तो ऐसे में केंद्र सरकार भी नहीं चाहती कि राजनाथ सिंह जैसा कद्दावर मंत्री उत्तर प्रदेश भेजा जाए, जिनका नाम चूंकि सबसे ऊपर चल रहा था, इसलिए उस बात को लेकर कहीं ना कहीं शुबा पैदा हो गया कि शायद राजनाथ सिंह को वहाँ से मुक्त करने में असुविधा होगी केंद्र सरकार को, और यही हालत मनोज सिन्हा को लेकर के भी है। फिलहाल जो नाम हमारे पास है उसमें राजनाथ सिंह का नाम सबसे ऊपर है, केशव प्रसाद मौर्य का नाम है, मनोज सिन्हा का नाम है, और इसके अलावा सुरेश खन्ना का भी नाम अब चलने लगा है। सतीश महाना के समर्थकों ने भी उनका नाम चलाया है, और ये चार पांच नाम है जिनको लेकर के चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन इसके बीच में कहीं ना कहीं एक ब्राह्मण चेहरा देने की बात भी शुरू से चल रही थी, अगर वैसा हुआ तो कलराज मिश्र का भी नाम उसमें जोड़ा जाना चाहिए। तो अभी बहुत सारे नाम चल रहे हैं, चूंकि एक नाम अभी फाइनल नहीं हुआ है, इसलिए अभी तमाम तरह के नाम चर्चा में। विवेक, जिस तरीके का मैंडेट मिला है और उसके बाद प्रधानमंत्री का जो भाषण भी था, यहाँ उन्होंने जो पैदल मार्च के बाद दिया, वो न्यू इंडिया की तरफ इशारा कर रहा था। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अब वो ठाकुर बनेगा कि पंडित बनेगा कि पिछड़ी जाति से आएगा, ये कॉम्बिनेशन हो सकता है कि एक सीमा तक ये सवाल अभी भी लोगों के जहन में हो, लोग इस पर सवाल उठाएं बनने के बाद भी, मुख्यमंत्री बनने के बाद भी, लेकिन क्या वाकई ये इस समय बीजेपी के लिए कोई चिंता की बात है, या फिर जो इतना बड़ा मैंडेट है और जो उम्मीदें जनता ने बीजेपी से लगाई हैं उसको बिल्कुल द्रुत गति से, जिसको कहा जाए, पूरा कर सके, इसकी तलाश है? देखिए, दोनों तरह की बातें हैं शेखर। सरकार के पास 1.5 साल 2 साल का वक्त है, क्योंकि 2019 में चुनाव होने हैं लोकसभा के, और उससे पहले का जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बनाया जाना है वो इतनी तेजी से काम करे कि जो बदलाव, जो वादे किए गए हैं चुनावी कैंपेन में और संकल्प पत्र में, वो सारे पूरे हों, या उसके पूरे होने का एहसास लोगों को होने लगे। ये एक बड़ी चुनौती है। 325 विधायकों को एक साथ रख पाना, खेमेबाजी को रोकना, वो ये काबिलियत किसके अंदर होगी, ये भी एक बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए है। देखिए, दो रास्ते बीजेपी के पास हैं। एक, या तो वो जाति फैक्टर को पकड़ के कोई मुख्यमंत्री दे दे जिसमें ब्राह्मण, ठाकुर और ओबीसी का नाम आ रहा है, या केशव प्रसाद मौर्य, कलराज मिश्र और राजनाथ सिंह का हम नाम ले लें, या ऐसी बिरादरी का व्यक्ति लाया जाए जिसकी कोई जाति ना हो, जिसका कोई जाति आधार ना हो, लेकिन वो एफिशिएंट हो काम करने में और पार्टी के प्रति, कहने के प्रति उसकी निष्ठा हो, उसमें मनोज सिन्हा और सुरेश खन्ना का नाम आ रहा है। तो ये दो धाराएं इस वक्त चल रही हैं, कहीं ना कहीं इनको लेकर के भी बहुत असमंजस की स्थिति होगी पार्टी के आलाकमान के सामने। और वैसे ही उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जिस तरह का मैंडेट मिला है, किसी के लिए भी ये बड़ी चुनौती हो सकती है कि आखिर किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो इसी वजह से चूंकि एक नाम अभी तय नहीं हो पाया है, इसलिए 5-6 नाम अभी भी चर्चा में चल रहे हैं। चलिए विवेक, नजर बनाए रखिए, हम आगे भी आपसे चर्चा करते रहेंगे, और जिस तरीके की स्थिति इस समय उत्तर प्रदेश में बनी हुई है वो वाकई लोगों के बीच में एक ऐसा कौतूहल पैदा कर रही है कि इस समय ये कौन बनेगा करोड़पति से भी बड़ा सवाल हो चुका है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का।